राजस्थान की जो स्थिति है, राजस्थान के गौरवशाली इतिहास से राजस्थान में रोज कोई कोई घटनाएं होती है। और आश्चर्य की बात यह कि मुख्यमंत्री जी के और ये मैं नहीं, राजस्थान की जनता भी स्वीकार कर रही है और मुख्यमंत्री जी आपके मंत्रिमंडल के सहयोगी भी स्वीकार कर रहे हैं कि राजस्थान की जो स्थिति आपने की है, जहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जहाँ बच्चियां सुरक्षित नहीं है, ना अस्पताल में, ना विद्यालय में, ना एम्बुलेंस में, ना कहीं भी, ऐसे में आपको इस पर चिंतन करना चाहिए। और मुद्दा इसलिए उठा के मणिपुर की घटना को लेकर एक प्रायोजित तरीके से कांग्रेस के माननीय सदस्य वेल में आए। मैंने उनको कहा कि मणिपुर के बारे में बात कर रहे हैं, आप राजस्थान के बारे में बात करें। राजस्थान में एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं हम लगातार तीसरी बार दुष्कर्म में हैं। राजस्थान में खाजूवाला की घटना की स्याही सूखी नहीं कि हिंडौन में के अंदर घटना हो गई, हर सप्ताह एक निर्भया कांड आकार ले रहा है। इसी बीच के अंदर सैनिक राज्य मंत्री उठे और उन्होंने कहा मुझे कुछ कहना है, और उन्होंने कहा कि राजस्थान के अंदर हमें शर्म आती है, राजस्थान में महिला दुष्कर्म बहुत ज़्यादा है, घटनाएं रोज हो रही है, और ये मैं कह रहा हूँ। मैंने खड़े होकर कहा कि सदन में सरकार कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिकल 164(2) के तहत एक मंत्री बोलता है, ये माना जाता है पूरी सरकार बोले। और आपने भी देखा होगा कई बार जो विभाग के मंत्री नहीं रहते तो कोई भी मंत्री उठकर बात करता है, और जब हम कहते हैं कि आप क्यों बात कर रहे हैं तो कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बात मैंने भी कही थी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई असलियत कहेगा, महिला दुष्कर्म के बारे में कहेगा, तो वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी को अच्छा नहीं लगेगा। अगर कोई सच्चाई कहेगा वो भी अच्छा नहीं लगेगा। ये पहला मौका है विधानसभा में गुड़ा जी ने कहा और उनको बर्खास्त किया। यही मुख्यमंत्री जी गुड़ा जी के पुत्र के जन्मदिवस पर गए थे इनके गांव में और ये कह के आए थे कि अगर आप नहीं होते गुड़ा जी तो मेरी सरकार नहीं होती। आज उन्होंने यकाएक बर्खास्त किया। मैं समझता हूं कि कलई खुल गई है कि कांग्रेस अब आंतरिक लोकतंत्र में भी विश्वास नहीं करती, और कांग्रेस में अब महिला दुष्कर्म और महिला बलात्कार पर बात करना अब टेढ़ी खीर होगी, ये बात करना उनको नागवार गुजरा है। सर, आपको लगता है इंटरनल डेमोक्रेसी, आंतरिक लोकतंत्र? आंतरिक लोकतंत्र तो कांग्रेस में कभी था ही नहीं, पर कांग्रेस में सिर्फ पटोवल इसलिए हो गई, गुड़ा जी जब गहलोत साहब के साथ थे तब तो बहुत अच्छे थे और गहलोत साहब उनके पुत्र के जन्मदिवस तक चले गए, और गुड़ा जी ने जब पेपर लीक के मामले के अंदर सरकार के को ललकार रहे पूर्व उप मुख्यमंत्री के साथ वो मंच पर चले गए तो वो दूसरे हो गए। ये निपटाओ अभियान कांग्रेस को निपटाएगा। सर, ये भी कहा था गुड्डा जी ने कि भ्रष्टाचार जो है वो हमारी सरकार में चरम पे है। उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार चरम पर है, महिला दुष्कर्म चरम पर है, कमीशन चरम पर है, सरकार का अलाइनमेंट खराब है। लेकिन मैं एक बार फिर उनको सम्मान अभिनंदन करूँगा और साथ में ये कहूँगा कि अशोक गहलोत साहब की सरकार में महिलाओं की सम्मान की बात करने वाला, बात उठाने वाला, भारत में राजस्थान में हो रहे महिलाओं के असम्मान का विरोध करने वाला व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, कांग्रेस पार्टी को बर्दाश्त नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज राजेंद्र सिंह जी गुढ़ा को बर्खास्त करके ये संदेश दिया है कि ये सरकार महिलाओं की विरोधी सरकार है, महिलाओं के सम्मान की रक्षा की बात करने वाली बात आवाज को दबाने और कुचलने का काम कर, वो भी तब जब उन्होंने सरकार बचाने की कोशिश की। छोड़ दीजिए पुरानी बातों को, उन सब बातों से कोई अब अभिप्रेत नहीं है, कोई लाभ भी नहीं है। लेकिन आज जिस तरह के हालात राजस्थान में, मुख्यमंत्री के गृह जिले की विधायक को, महोदया को ये कहना पड़ता है कि मैं भी सुरक्षित नहीं हूँ, मुझे तो अब डर दिव्या जी को लेकर के लग रहा है कि अगली तलवार शायद चली तो दिव्या मदेरणा पे चलने वाली है। मेरी सारी सहानुभूति और मेरी सारी संवेदनाएं और मेरी सारी शुभकामनाएं आदरणीय दिव्या जी के विषय। पीसीसी चीफ ने कहा है कि ये पार्टी लाइन से इधर हटके बयान दिया था इसलिए उन्हें बर्खास्त किया गया। लेकिन पार्टी लाइन ये तय है क्या कि पार्टी लाइन सिर्फ जो है वो महिलाओं के असम्मान जो राजस्थान में घटनाएं हो रही है उनका समर्थन करेंगे? क्या ये पार्टी लाइन है? ये तय राज जो है गोविंद डोटासरा जी को करना पड़ेगा। अब यह लग रहा है गहलोत जी की हमारी सरकार जा रही है, मंत्री का बर्खास्त होना इसका मतलब सरकार जाना तय हो गया धीरे धीरे करके।
अभी देखिए दिव्या मंदिरणा पे भी ये कार्रवाई करने वाले हैं धीरे, और भरत सिंह पे भी कार्रवाई करेंगे, कई विधायकों पे कार्रवाई करेंगे, क्योंकि गहलोत जी को ये पता हो गया कि हमारी सरकार जा रही है। जब मंत्री तभी बर्खास्त होते हैं जब सरकार धीरे धीरे जाना तय हो जाती है। वही कारण है जो सच बोलता है, सच बोलने वाले पे कार्रवाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया गहलोत सरकार जाने वाली है। राजस्थान की जनता यह बात कर रही है कि जिस प्रकार से महिला उत्पीड़न और दलितों पे अत्याचार हो रहा है वो चरम पे है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, कानून का कोई राज नहीं है, चारों ओर भ्रष्टाचार है। अगर ये कह रहे तो सच बात कर रहे हैं, सच बात सुनना चाहिए, सुन करके सुधार करना चाहिए था गहलोत जी को। लेकिन अब मंत्री को निकालना, इतनी बड़ी सजा, सच की इतनी बड़ी सजा, तो पहले भी उन्होंने सच कहा था उसमें सजा नहीं दिया। अब सरकार चूंकि जा रही है इसलिए फेस वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होता, समझ चुके हैं। बोलते हैं उन पे कार्रवाई करते हैं, भाई उन्होंने यही तो कहा कि अपने गिरेबान में झांको, और ये बात सही भी है कि महिलाओं में अत्याचारों में राजस्थान नंबर एक पे पहुंच गया, तो रिकॉर्ड भी बोल रहा है। तो महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे, वो मणिपुर का जिक्र किया, लेकिन मर्दों का प्रदेश बता रहे हैं, उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। होनी चाहिए ना, उन पे भी होनी चाहिए कार्रवाई, पहले करनी चाहिए थी उनको।